नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द प्रिमिटिव हिंदू यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त प्रतीक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं रोज इस चैनल पर हिंदू धर्म से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर अपलोड करता हूं। इसलिए यदि आप मेरी तरह हिंदू हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मैंने कई बार इस चैनल पर आप सभी को वीडियो के रूप में बताया कि किस किस देश में हिंदू धर्म अपनाया जा रहा है या फिर किस देश में हिंदू धर्म फैल रहा है और या कौन कौन से लोग जो कि हिंदू धर्म के दीवाने हो रहे हैं और वे हिंदू धर्म अपना रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका की एक महिला ने हिंदू धर्म को अपनाया है और वह हमेशा से हिंदू धर्म के साथ खड़ी है और आज उसी महिला ने हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर शायद आपको भी गर्व की अनुभूति होगी। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ और जिस महिला की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है रेनिलिन। तो मैं पहले आपको ये बता दूँ कि रेनिलिन कौन है, क्या करती हैं और इनका रुझान अमेरिका में रहते हुए हिंदू धर्म के प्रति इतना क्यों हो गया। दोस्तों, रेनिलिन अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाली एक क्रिश्चियन महिला है। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है और वॉयस फॉर इंडिया नाम की संस्था भी चलाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा जिससे बहुत से कट्टरपंथी सुलगे हुए हैं। दोस्तों, रेनिलिन लिखती हैं कि हिंदू धर्म अन्य धर्मों के लिए खतरा क्यों है। हिंदू के प्राचीन पाठ के बिना आज की दुनिया उन्नति नहीं कर सकती। हिंदू धर्म प्रतिभाशाली है, यही कारण है कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में लाखों ग्रंथों को आग लगा दी। वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। दोस्तों, यदि आप हिंदू हैं तो आप ये समझ चुके होंगे कि रेनिलिन उन्होंने किसके लिए कहा है। दोस्तों, वह कई बार भारत आ चुकी हैं और आगे वह भारत आने पर अपने अनुभव को शेयर करती हैं और वे लिखती हैं, मुझे भारत में ट्रेन का प्रयोग करना बहुत पसंद है और यह मुझे बहुत मजेदार लगता है। मुझे भारत की बहुत याद आती है, बहुत समय हो गया, जल्द ही भारत आने की योजना है। मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, कोई चाइना वायरस नहीं, कोई डर नहीं, मुझे अपनी मातृभूमि की याद आती है। दोस्तों, आगे वे कुछ तथाकथित कट्टरपंथियों को जवाब देते हुए लिखती हैं और एक फोटो भी शेयर करती हैं। वो फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। उन्होंने लिखा, थोड़ा जूम करके देखना, ये उनके लिए है जो कहते हैं कि अंग्रेजों से पहले भारत में सुई भी नहीं बनती थी। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु द्वारा देखा गया। वह अपनी बहन और दुल्हन पार्वती का हाथ भारत के मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के दूल्हे शिव के हाथ में देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।